नमस्कार आप सभी को साइंस क्लासेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमें चर्चा करना है और वो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा गोला। चलिए गोले की बात करते हैं। क्या होता है गोला? तो जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहीं पर अर्धगोला अगर हम देखें तो अर्धगोला जो हो जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। गोला को भी समझो जरा, वृत्त क्या कहलाता है, गोला क्या कहलाता है, दोनों में फर्क समझो पहले। जब कोई, जैसे आप किसी जमीन पर चूना डाल दो तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त। वो क्या कहलाएगा, वृत्त। लेकिन यदि आप कभी देखोगे तारामंडल वगैरह या कोई ऐसी गोल नुमा चीज, ठीक है, इस तरह की कोई गोल चीज आप जब देखोगे तो ये क्या कहलाएगी, ये जो गेंद है वो क्या कहलाएगी आपकी, ये जो गेंद है ये आपकी क्या कहलाएगी, गोला। ये क्या कहलाएगी, गोला। तो वृत्त और उसमें समझ में आना चाहिए। और अगर अच्छे से आप समझो, और अगर आप अच्छे से समझो तो एक चीज और समझो जरा, कि जब किसी अर्धगोला, अर्धगोला आप जानते हो किस तरह का होता है, ये अर्धगोला हो गया। अब यहां से इसको आप घुमाओ कितने डिग्री पर, 360 डिग्री पर। जब आप इसको 360 डिग्री पर घुमाओगे तो एक वृत्त टाइप का बन जाएगा। इस तरह से घुमाओगे तो आप, तो जो गेंद होती है वो क्या होती है, गोला। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला मतलब आधा कर देंगे तो 2 का कर देंगे भाग, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 1/2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। हाँ, कंचा भी कह सकते हैं सुदामा, बिल्कुल है ना, बहुत ही बढ़िया शब्द निकला ये। चलो सर देख लो पहले एक बार, मैं अभी 15 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूं, आराम से पहले आप चेक कर लो आपके ग्रुप में लिंक शेयर हो गई है कि नहीं शेयर हुई है, चेक कर लो जरा जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गई हो तो लिख दो, हो गई सर, हाउ, लिख दो, लिख दो आप। चलो अब इसके बाद इसमें होता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, क्वेश्चनों पर पहले आएंगे इस बार। तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, अब आराम से समझते जाना, आराम से समझते जाना, क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन समर्पित कर रहा हूं, आराम से आप पहला क्वेश्चन करना जरा। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, यदि दो गोलों का पृष्ठीय अनुपात, यदि दो गोलों का पृष्ठीय अनुपात, यदि दो गोलों का पृष्ठीय अनुपात 4:9 हो, 4:9 हो तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात क्या होगा, करो जरा इसको, आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतनों का अनुपात क्या होगा, चलो करो जरा जल्दी। आप ध्यान से देखना, दो गोलों का पृष्ठीय अनुपात, गोला बार बार बोलने में आपको निश्चित रूप से किसी की याद आ रही होगी, कुछ नहीं कर सकते है ना, स्टेटिस्टिक देखो लोगों के, आप, मैं भी देखता हूं, आप भी देखा करो। तो गोला वही है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और जो आप अभी नहीं खा पा रहे हो, तो गोले को आप कई नाम से भी जानते हो,
है ना, अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारे नाम लिए जाते हैं। ये पहला ऐसे दुनिया का पहला ऐसा आइटम या ऐसा पहला खाना होता है जिसके रेट हर शहर में हर 20 किलोमीटर पर चेंज हो जाते हैं, है ना। इसकी मात्रा रेट हर जगह चेंज होते रहते हैं, है ना। तो प्रति इसके अलग अलग निकलते हैं, खैर उसकी बात नहीं, लेकिन आप समझो इस ये चीज जो है वही है गोला। वही क्या है? गोला। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। उसने कहा दो गोलों के पृष्ठ, देखो चार और नौ को देखकर ख्याल तुरंत आ गया होगा दो और तीन का, आते ही है वो तो, मतलब हो ही जाता है वो तो। चलो देखो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद है आपको, चार पाई आर स्क्वायर अनुपात चार पाई आर स्क्वायर। तो चार पाई से चार पाई तो क्या हो जाएगा कैंसिल, आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इससे किसका अनुपात निकल आएगा त्रिज्या का, इससे किसका अनुपात निकल जाएगा त्रिज्या का। आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि त्रिज्या को जो अनुपात निकलेगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा, नहीं तो वो कट जाएगा बराबर। तो चार बटे क्या हो जाएगा नौ, वर्ग हटेगा वर्गमूल लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दो अनुपात तीन। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया, त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया दो अनुपात तीन। अब उसने ये कहा कि आयतनों का अनुपात, तो आयतन क्या होता है चार बटे तीन पाई आर क्यू अनुपात, चार बटे तीन पाई आर क्यू। ये अपने आप आपको देखते ही साथ भी दिखना चाहिए कि दो बटे तीन आएगा, तो चार बटे तीन पाई आर क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, आर का मान यहाँ पे हो जाएगा दो का घन और यहां पर हो जाएगा तीन का घन। तो दो दूनी चार दूनी आठ, तीन तिरका नौ त्री सत्ताईस, खत्म। हाँ बिल्कुल मिस कर रहे हैं भूपेंद्र, हम खुद कर रहे हैं। चलो इधर देखो, आगे लिखो, समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे पूर्ण गलतफहमी है कि आप समझ तो रहे होगे, कम से कम आप नोट नहीं किया करो पढ़ने का। हाउ लिख दो जरा जल्दी से, झूठ बोलो कि आ गया समझ में, लिखो जरा लिखो। अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन समान है, एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन समान है, एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन समान है, तदनुसार तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात तथा सॉरी तो उसकी त्रिज्या, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, उनकी त्रिज्या बताना है आपको। जल्दी करो जरा, जल्दी करो फटाफट, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, जल्दी करो ना थोड़ा सा, जितनी जल्दी करोगे जल्दी जल्दी होते जाएंगे सवाल। नमस्कार नमस्कार, जल्दी करो फटाफट, कर्तव्य करते रहो, लाइक करते रहो। 20 लोग जुड़े हैं 20 लाइक कर दो, 50 लोग जुड़े 50 लाइक कर दो, लेकिन लाइक कर दिया करो, वो भी हमें प्रेरित करता है, है ना। समझ में आ रहा है, हाउ लिखते जाओ, सब चीजें करते जाओ, आप अपना धर्म निभाते जाओ, हम अपना धर्म निभाते जाए, ठीक। धर्म धर्म की बात है, लिखते नहीं बन रहा होगा कोई बात नहीं। इधर देखो जरा, एक गोले तथा अर्धगोले का अनुपात आयतन समान है, तो चार बटे तीन पाई आर क्यू बराबर दो बटे तीन पाई आर क्यू। त्रिज्याओं का अनुपात स्पष्ट कहा है उसने, इसलिए त्रिज्याएं आप कैपिटल में नहीं लिख सकते। इतना आ गया, इतना आ गया समझ में। तो एक को कैपिटल एक को स्मॉल लिखने का कारण यह है, कहीं ये कटना नहीं। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तीन से तीन क्या हो जाएगा कैंसिल, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो दो आर क्यू इतनी बात आ गई होगी समझ में, इतनी बात आ गई समझ में। तो
आर क्यू यहां पर एडिटिव रखेंगे, यहां पर स्मॉल आर आ जाएगा गुणा में इस तरफ, और ये गुणा में इस तरफ जाएगा तो काय में आ जाएगा भाग में, एक बटे दो। तो घन हटेगा क्या लग जाएगा, घनमोल, क्या लग जाएगा घनमोल। तो जब घनमोल लगेगा तो आपको पता है या पता होना चाहिए कि एक का घनमोल एक होता है और दो का बिचारे का घनमोल नहीं होता है। तो ये लिख जाएगा एक घन दो घनमोल, घनमूल दो, और इसको लिखेंगे एक अनुपात घनमूल दो। आ गई बात समझ में, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, फिर से समझो बेटा। हम पढ़ रहे हैं गोला, और गोला होता है गेंद की तरह, बहुत सारी गेंदें आपने देखी होंगी है ना, या अमरूद जो भी आपने देखा हो, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। फुटबॉल सबसे अच्छा उदाहरण होता है, बस ध्यान रखना ये सारे ठोस चल रहे हैं है ना, कई बार खोखले भी हो जाते हैं, तो वो अपने सिलेबस में अभी है नहीं, तो आराम से देखते जाना, अभी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोले को समझो आप, तो चार बटे तीन पाई आर क्यू, चार बटे तीन पाई आर क्यू, ये गोले का क्या होता है आयतन, ये गोले का क्या होता है आयतन। अब जब गोले का आयतन ये है, जब गोले गोला कैसे बनता है, कोशिश कर रहा हूं, वैसे मेरी ड्रॉइंग बहुत अच्छी है ना, आपको पता है। तो ये हो गया वृत्त, और गोले दिखाने के लिए इस तरह से कुछ कर देते हैं तो गोला नवा चीज दिखने लगती है, ठीक है, गोला नवा चीज दिखने लगती है कि ये गोला हो गया, 3D हो गया। अब अच्छा ये भी समझना, इसमें एक आर तो ये होगा, एक आर ये होगा, और एक आर ये होगा, तीनों समान होते हैं। ये ज्योमेट्री में कभी देखेंगे वो सारी चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है। अभी मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन करना है। तो गोले का आयतन हो गया पाई, चार बटे तीन पाई आर क्यू, अर्धगोले का हो जाएगा दो बटे तीन पाई आर क्यू है ना, क्योंकि अर्धगोला इसका क्या हो जाएगा आधा, जब दो का भाग दोगे तो दो बटे तीन पाई आर क्यू आ जाएगा। इसके बाद इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 4πr², और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3πr². इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, देखो जरा, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो। मैंने बोला एक गोलक तथा अर्धगोला, गोला को गोलक भी बोल सकते हैं, एक गोलक तथा अर्धगोलक का आयतन समान है, आयतन समान है तदनुसार उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, ये करके दिखाओ, ध्यान से देखना जरा। आज और अच्छे क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि और अभी करेंगे अपन क्वेश्चन, कई लोगों पे लिखते नहीं बन रहा होगा, कोई बात नहीं। तो चार बटे तीन पाई आर क्यू बराबर चार, इसमें कैपिटल ले ले रहे, दो बटे तीन पाई आर क्यू, गोले के अर्धगोले का आयतन समान है, तो दोनों को अपन ने समान रख दिया, जितना जो कुछ कट रहा है उसको काट दिया, पाई से पाई, तीन से तीन, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो यहाँ पर दो आर क्यू अनुपात एक आर क्यू, कुछ नहीं मतलब एक का गुणा। अब बस आर क्यू यहां पे ले आएंगे तो आर क्यू अपॉन आर क्यू बराबर एक बटे दो, घन हटेगा घनमूल लगेगा, तो आर क्यू यहां पर क्या लग जाएगा घनमूल, तो एक बटे दो का हो जाएगा एक दो घनमूल दो। तो सबसे पहली बात तो त्रिज्याओं का अनुपात आएगा, क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठ का अनुपात चाहिए, वक्र पृष्ठ कोई भी हो आप समझ जाओ जरा, क्योंकि चार पाई आर स्क्वायर हो चाहे तीन पाई आर स्क्वायर हो वो तो कट ही जाएगा है ना, वो क्या हो जाएगा, वो तो कट ही जाएगा, क्लियर है। तो आर स्क्वायर जैसे ही आपका मान आ गया यहां पर रख दो, एक पहले की त्रिज्याई एक का वर्ग, दूसरे की त्रिज्याई दो। अब इसको एक चीज और लिख सकते हैं, ध्यान से देखना जरा, एक अनुपात दो के ऊपर एक बटे तीन की घात, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखा अनुपात दो के ऊपर एक बटे तीन की घात, पूरे के ऊपर दो की घात, तो एक, और ये हो जाएगा दो के ऊपर दो बटे तीन की पावर।
और लिखो जरा, और लिखो अगला क्वेश्चन। एक गोले का पृष्ठ, आराम से लिखते जाना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से लिखते जाना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा समय लगेगा इसको लिखने में। देखो, एक गोले के पृष्ठ का वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या, एक गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटर की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटर की संख्या के बराबर है, घन सेंटीमीटर की संख्या के बराबर है, संख्या बराबर है, तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में बताओ, तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी बताओ जरा। बन जाए तो ठीक, ना बने कोई बात नहीं, कराऊंगा अभी मैं, कोशिश कर लो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो, उसने कहा एक गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है, एक गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है गोले के आयतन के बराबर, गोले के आयतन के बराबर। तो गोले का पृष्ठ होता है 4π³ इस तरह से, और ये होता है 4/3π r³, यही होते हैं अभी तक, यही बड़े, और बराबर है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर। इतनी बात आ गई होगी समझ में आपको, जितना कट जाएगा काटते जाएंगे, जितना नहीं कटेगा उतना रोक लेंगे। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, पाई से पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पर आर है कितने, तो 2 r है, यहां पर कितने आर है, 3, तो देखते हैं कितने कट जाएंगे, 3 लिखा ही है, तो 2 r से 2 r कैंसिल, यहां पर 1 r/3, तो r बराबर कितना होगा, 3 × 1 = 3, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। एडवांस है थोड़ा सा, है ना। चलो एक मजेदार क्वेश्चन कर लेते हैं इस बीच, फिर और क्वेश्चनों पर आ रहे हैं, एक मजेदार क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर से समझ लो, गोले का पृष्ठ जो है गोले के आयतन के संख्यात्मक मान की सेंटीमीटर के, ये सब बराबर है, बस फालतू बातें लिखी रहती है कई बार डरवाने के लिए, है ना। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, सीधी सी बात यह है, डिलीट कर दो, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखो जरा अगला। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है, तदानुसार पृथ्वी एवं चंद्रमा के आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात बताना है आपको। एक चीज और सीखो कि आयतनों का अनुपात मतलब क्या होता है, 4/3π r³ अनुपात 4/3π r³, तो ये तो कट ही जाएगा, केवल आपको r और r का अनुपात निकालना है, इतनी बात समझ में आ जाए तो बस बन जाएगा। बिल्कुल सही है। देखो, चंद्रमा का जो व्यास है
चंद्रमा का जो व्यास है वो किसका है? वो पृथ्वी के व्यास का, पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4। इतनी भाषा से आपने लिख लिया। तो आप ध्यान से देखोगे ये 4 कहां आ जाएगा, इस तरफ और एक इस तरफ। तो चंद्रमा का जो अनुपात हो जाए, जो पृथ्वी की व्यास हो जाएगा, हाँ तो देखो अब जरा ध्यान से देखना, तो चंद्रमा का जो व्यास हो जाएगा वो इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? 1। तो पृथ्वी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी अनुपात जब पक्षांतर करोगे, चंद्रमा का अनुपात कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, बड़ा कौन हो जाएगा? 4 पृथ्वी हो जाएगी और चंद्रमा कितना हो जाएगा? 1। 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 1। अब उसने किसका अनुपात, ये क्या का अनुपात हो गया? त्रिज्याओं का। जो व्यास का अनुपात होगा भैया, जो व्यास का अनुपात होगा वही तो त्रिज्याओं का अनुपात होगा, क्योंकि व्यास 2r होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही व्यास का अनुपात हो जाएगा, 4:1। और इसको कहां ले जाओगे? ऊपर, या आप 2/2 भी कर दोगे ना तो 2 से 2 सब कुछ कट जाएगा वो तो अनुपात में। तो सीधी सीधी बात, 4 और 1, तो 4 का क्यू कर देना और 1 का क्यू कर देना, तो 4 का क्यू होता है 64 और 1 का क्यू कितना होता है? 1। देखो क्या होता है, 1:64 गलत हो जाएगा बेटा, है ना, इसको समझो जरा, विकल्प दोनों मिलते हैं, 64:1 सही आंसर है, इसको समझना। और पृथ्वी का पूछा है, पृथ्वी बड़ी होगी, ऐसा भी हम थोड़ा सेंस लगा सकते हैं। तदनुसार पृथ्वी चंद्रमा, पहले पृथ्वी फिर चंद्रमा, पृथ्वी बड़ी चंद्रमा छोटा, है ना। पक्षांतर के कारण आपको समझ आना चाहिए, 4 गुणा में पहुंच जाएगा ना बेटा, गुणा में है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में, ये पृथ्वी का हिस्सा कितना जाएगा? 1/4। देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको मैं पूरा बता दे रहा हूं, देखो पृथ्वी बटे कितना लिखा था? 1/4। तो चंद्रमा बटे कितना जाएगा? पृथ्वी, चंद्रमा बटे पृथ्वी 1/ कितना हो जाएगा? 4। चंद्रमा का मान कितना हो जाएगा? 1 और पृथ्वी का कितना हो जाएगा? 4। जो पहले लिखा है उसको देखते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा का आयतन पूछा है, तो पहले पृथ्वी पूछा तो पृथ्वी कितनी हो जाएगी? 4 और चंद्रमा कितना हो जाएगा? 1। 4 का मतलब 64 और 1 का मतलब 1। अगर चंद्रमा पृथ्वी का पूछा होता तब आपका 1:64 सही होता। नहीं मानकर नहीं करना, ये तो कर दिया हमने, ये चंद्रमा यहां लिखा, पृथ्वी गुणा में इस तरफ भाग में आ जाएगी, चंद्रमा बटे पृथ्वी 1/1, चंद्रमा के पास 1 हिस्सा 4, पहले पृथ्वी लिखी तो 64 और चंद्रमा 1। समझ में आ गया? और लिख देना। अब और करते हैं, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चनों पर आते हैं, ये क्वेश्चन काफी समय से आते रहते हैं और चलते ही रहते हैं ये। चलो लिखो जरा क्वेश्चन, देखो एक सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को, त्रिज्या वाले गोलों को पिघलाकर, पिघलाना कल भी बताया, शुरू से बता रहा हूं, आयतनों से पिघलता है, गोलों को पिघलाकर पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी? नए गोले की त्रिज्या बताना है। आराम से करो, अब यहां पे नए गोले की त्रिज्या, नए गोले के संपूर्ण प्रस्थ त्रिज्या आ गई, मतलब सब कुछ कुछ भी पूछ लेगा वो, करो जरा आराम से। पिघलाओ आराम से, पिघलाते जाओ। कुछ इस तरह की घटना घट रही है, एक तो यहां पर है बड़ा सा गोला और यहां पर है छोटे छोटे गोले, है ना, एक बहुत छोटा सा नन्ना सा है, नन्ना सा मतलब नन्ना ही सा कर लो बिल्कुल, इतना सा है ये, एक का है धन, ये थोड़ा सा बड़ा है धन, ये बहुत बड़ा है ना, और इसको पिघलाना, इसका बड़ा करना, तो बड़े गोले का आयतन
बराबर 4/3, इसका भी हो जाएगा देखो 4/3 पाई आर क्यू। इस बेचारे का कुछ तो दिया नहीं, इसका दिया 1, इसका 6 और इसका कितना दिया है 8 त्रिज्या, तो इसका भी हो जाएगा 4/3 पाई आर का मान कितना हो जाएगा 1 का क्यू धन 4/3 पाई 6 का क्यू धन 4/3 पाई 8 का क्यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 4/3 पाई क्या ले रहे कॉमन, तो यहां पर 1 का क्यू धन 6 का क्यू धन 8 का क्यू 4/3 पाई आर क्यू एड इट इज लिखते रहे, तो 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में सबको। आगे देखो आर क्यू 1 का घन 1 216, 8 का कितना होता है 512, सब कुछ जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 729, कितना हो जाएगा 729। घन हटेगा क्या लग जाएगा घनमूल, और जब घनमूल लगेगा तो आर का मान कितना आ जाएगा 9। टिप्पो टिपते जाओ जल्दी जल्दी। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आराम से करना, उम्मीद है बन जाएगा आप पर। कल और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। देखो हम बार बार कह रहे हैं, हम भले ही कितने भी लोग हैं उन लोगों से तो अच्छे ही हैं जो नहीं पढ़ रहे कम से कम। और बीपी दुबे की क्लास में कौन सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आराम से बिल्कुल शुरुआत से सीखते जाओ है ना। अच्छे पढ़ रहे हो बढ़िया, कुछ तो रेगुलर पढ़ रहे हैं, भगवान भी देखता है जब आप इस तरह की परिस्थितियों में पढ़ते हो है ना, हमें भी देख रहा होगा, हम भी इस तरह की परिस्थितियों में पढ़ा रहे हैं। श्योर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के गोले से 0.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, एक शब्द पर फोकस करो, कितने। तो कितना बराबर होता है बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल या आयतन बटे छोटी वस्तु का क्षेत्रफल या आयतन, जो भी लिखा है ध्यान से समझना। ये व्यास दिया है और ये सीधा अर्धव्यास दिया है, और जो त्रिज्या होती है वो अर्धव्यास कहलाती ना कि व्यास। तो इसमें त्रिज्या कितनी निकल आएगी 6, इतना समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि हम 10वीं क्लास कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो है ना। 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू मतलब 6 गुणित गए 6। यहां पे भी हो जाएगा 4/3 आर क्यू 0.5 गुणित गए 0.5। फिर से समझो, व्यास बराबर होता है 2r और 2r बराबर 12 दिया है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 6। अर्धव्यास, अर्धव्यास क्या होगा 2r/2, तो अर्धव्यास मतलब क्या हो जाएगा r ही, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ध्यान से देखना, अठन्नी का पहाड़ा पढ़ना, अठन्नी के 12 बार में आ जाएगा ये, अठन्नी के 12 बार में आ जाएगा ये, अठन्नी के 12 बार में आ जाएगा ये, तो 12 का जो क्यू होता है वो होता है 1728। तो अगर आपको आज की क्लास पल्ले पड़ी हो तो इससे लाइक करें, सीख रहा हूं धीरे धीरे, कमेंट करें, कमेंट ऐसा ऐसे गंदे ना करें, अच्छे कमेंट करें कि आपने अच्छा पढ़ा, इस टाइप के कमेंट मेरे को खराब लगता है शब्द, कमेंट की जगह पे कुछ और शब्द ले देंगे अपन। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, यो शेयर करते हैं, धन्यवाद। बहुत बोरिंग काम।